नमस्कार, दिस इज प्रियदर्शन। प्लीज एक्सेप्ट माय ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बिहार, पटना। सो हाउ आर यू डियर चिल्ड्रन? आई होप यू मस्ट बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इनसाइड योर हाउस इन दिस स्कॉर्चिंग हीट। So, dear students, today we are going to study one of the most fascinating and at the same time engaging and thought-provoking lesson. Its name is Ideas That Have Helped Mankind, and the author is Bertrand Arthur William Russell. So, in fact, the name of Bertrand Arthur William Russell is known by everyone who is interested in the philosophy of modern world. He has been one of the tallest figure of the 20th century philosophers, and I am pretty sure you'll understand his level of thinking, his clarity, his approach while we shall study this lesson, Ideas That Have Helped Mankind. So, प्यारे बच्चों, गर्मी का महीना है, आप घर में ही अधिकांश समय बिताते होंगे। So, आज जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम Ideas That Have Helped Mankind है। इसके लेखक Bertrand Arthur William रसेल हैं। शॉर्ट में हम इनको बर्ट्रेंड रसेल के भी नाम से जानते हैं, और यह नाम आधुनिक दर्शन के संसार में कोई नया नहीं है। जो कोई भी दर्शन में, फिलॉसफी में रुचि रखते होंगे वे अवश्य ही इनके नाम से परिचित होंगे। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आप इस बात को जानेंगे कि इनके विचार, इनकी धारणा, ये सब कितने स्पष्ट हैं। बहुत साफ, सरल और स्पष्ट भाषा में ये अपने विचार को रखते हैं, दर्शन को समझाते हैं। सो ही हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट philosopher, mathematician, thinker of the 20th century. So let us see the introductory part of this lesson, Ideas That Have Helped the Mankind. So this part gives you a brief description about the author. इस पार्ट में हमें author के बारे में समझेंगे, इस हिस्से में, कहानी के इस हिस्से में। बर्ट्रेंड अर्थर विलियम रसेल, 1872-1970। बर्ट्रेंड रसेल का जन्म 1872 में हुआ और इनका देहावसान 1970 में हुआ। अ ब्रिटिश फिलॉसफर, यह एक अंग्रेज दार्शनिक थे, हिस्टोरियन इतिहासकार थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म और सामाजिक सुधार के पक्षधर थे, पैसिफिस्ट शांतिवादी भी थे, एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी।
और 20वीं शताब्दी के बहुत मशहूर तर्कवादी भी थे। इनकी बातों में तर्कवादिता है, तो रैशनलिस्ट का मतलब वही है कि ये तर्कवादी भी थे। वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, और इतना ही नहीं, यह एक सफल लेखक भी थे। सो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872-1970, अ ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पेसिफिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वाज अ प्रोलिफिक राइटर, एक बहुत सफल लेखक थे। ही वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, और बहुत सारे विषयों पर इनकी कमेंट्री भी है। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं, फिलॉसफी, दर्शन, सोशलिज्म, समाजवाद, एजुकेशन, शिक्षा और आखिर में क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, इन सब पर इन जो विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं वो सब के सब काफ़ी पढ़े गए हैं, लोगों ने उस पर खूब चर्चा भी की है। मार्क्स, बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कैंडोर। उसके अलावा कार्ल मार्क्स जो एक कम्युनिस्ट राइटर थे, बुद्धा, भगवान बुद्ध एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और इसके अलावा और बहुत सारे विषयों पर इनके विचार बिल्कुल अर्थपूर्ण हैं, और उस अर्थपूर्ण विचार में एक अस्पष्ट बाधिता है जिसे आप कैंडोर कहते हैं। इन 1950 रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उन्नीस सौ पचास में रसेल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इन रिकग्निशन ऑफ हिज वैरीड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। हम लोगों ने जाना इनके बारे में कि जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं, तो विषय अनेक हैं, विविध हैं, और उन सभी विविध विषयों पर उसके साथ जो इनके विषय का जो मानवीय पहलू है, जो मानविकी है, उसके अलावा जो स्वतंत्र विचारों की प्रस्तुति है, इन सभी चीज़ों को लेकर इनको 1950 में नोबेल प्राइज से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सो दिस इज हाउ माय डियर स्टूडेंट्स वी कम टू नो अबाउट अ वर्सेटाइल ऑथर हुज नेम इज बर्ट्रैंड रसेल एंड हुज स्टोरी हुज राइटिंग वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, संसार के सबसे बेहतरीन बौद्धिक व्यक्तियों में से रसेल्स वॉइस कैरीड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, ग्रेट मोरल अथॉरिटी, नैतिक सत्ता की बात करते हैं, ये नैतिकता की बात करते हैं, इनकी बातों में, इनकी वाणी में नैतिकता का बड़ा महत्व है, मोरालिटी जिसे आप कहते हैं। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। यह एक मौलिक चिंतक है, यह एक मौलिक लेखक है, इसलिए इनकी रचनाओं में मौलिकता स्पष्ट रूप से झलकती है, ये हमें प्रभोग भी करते हैं, सोचने के लिए उत्तेजित भी करते हैं। सो एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड, इन हिज एटीट्यूड, अपने भाव में प्रोवोकेटिव भी हैं, एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और इनकी जो शैली है उसमें स्पष्ट बाधिता है, उसमें क्लैरिटी है।
His writings emphasize reason. इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें इन्होंने तर्क पर बहुत अधिक बल दिया है. इंटेलिजेंस, विवेक जिसे आप कहते हैं, बुद्धि पर इन्होंने बल दिया है. ह्यूमन हैप्पीनेस, मानवीय खुशहाली कहें, उस पर इन्होंने बल दिया है. पीस एंड लिबर्टी, शांति और स्वतंत्रता पर भी इन्होंने बल दिया है. तो इनके जो भी राइटिंग्स हैं, इनके जो भी लेखन हैं, उसमें इन्होंने मूल रूप से तर्क, जिसे आप रीजन कहते हैं, इंटेलिजेंस, विवेक, ह्यूमन हैप्पीनेस, इंसानी खुशहाली, पीस, शांति एंड लिबर्टी और स्वतंत्रता, इस पर इन्होंने खूब जोर दिया है. हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी. इनके जो मुख्य काम हैं उनमें से एक है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स. दूसरा है अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, सत्ता और व्यक्ति. हैज मैन अ फैक्ट, इज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन. माय फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन. सो दीज आर द राइटिंग्स of this great philosopher, thinker and mathematician, Bertrand Arthur William Russell. बच्चों, एक बात important है इनके बारे में जानना कि he was also a celebrated mathematician. यह एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और यह एक वजह है जिसके कारण इनकी लेखनी में क्लैरिटी आती है, स्पष्ट बाधिता आती है. बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हैं ये, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल हैं इनकी सोच, इनकी धारणा, इनके विचार, इनके लेखन बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं. सो गणितज्ञ होने का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है. So this is how we have read about the introduction of the author. Let us see the next one. Yeah, so one more thing before venturing into the chapter, let us see some important words which came in fact in the introduction of this author. लेखक के परिचय में जो भी कठिन शब्द आए उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं. एक वर्ड है pacifist, someone who opposes war or violence as a means of settling dispute. सही वर्ड pacifist है. इसका मतलब शांतिवादी होता है, जो इंसान युद्ध के खिलाफ हो या हिंसा के खिलाफ हो और किसी भी चीज को, किसी भी मसले का हल शांति पूर्ण तरीके से ढूंढे, बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें, उसे आप पेसिफिस्ट कहते हैं, शांतिवादी इसे कह सकते हैं. दूसरा वर्ड है रैशनलिस्ट, तर्कवादी आप इसे कह सकते हैं. सो अ पर्सन हु बेसेज हिज ओपिनियन एंड एक्शंस ऑन रीजन एंड नॉलेज रादर देन ऑन रिलीजन. नहीं, तर्कवादी. A person who bases his opinion and action on reason. जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के विचार का आधार reason है, तर्क है, ज्ञान है, न कि धर्म है या न कि धार्मिक कर्मकांड है. So that kind of person you can call a rationalist. As for example, when you say the sun rises in the east and sets in the west, no,
the earth is not flat. So these are the things, you know, which are proven facts. And you say something, when you say something on the basis of reason, जब आप तर्क के आधार पर कुछ कहते हैं, न कि कही सुनी हुई बातों पर, बातों के आधार पर, या न ही अंधविश्वास के आधार पर, नो? So, in fact, in superstitious thinking, what happens? जो व्यक्ति अंधविश्वासी हैं, उनकी जो धारणा होती है, they only believe, वो सिर्फ मानते हैं, और जो तर्कवादी होते हैं, वो पहले जानते हैं और फिर मानते हैं. So, this is the difference between a superstitious person and a rationalist. Next word is prolific writer, a very successful writer. जिन्होंने लेखक के रूप में खूब ख्याति कमाई हो, बहुत प्रसिद्धि प्राप्ति की हो, उसे आप prolific writer कह सकते हैं. पिथि, जिनकी बातें, जैसा कि लेखक के बारे में कहा गया है, तो पिथि का मतलब अर्थपूर्ण होता है, मीनिंगफुल होता है, एक्सप्रेस्ड इन अ क्लियर एंड डायरेक्ट वे, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में, साफ सुथरे तरीके से जो प्रस्तुति होती है, उसे आप पिथि भी कह सकते हैं. कैंडोर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, नो, किसी की सोच में, धारणा में, विचार में, लेखन में अगर कैंडोर है, इसका मतलब वह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी बातों को रखा है. सो सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हैं वही कहते हैं, जिसे आप अस्पष्ट बाधिता भी कहते हैं. तो दिस कैंडोर मीन्स नो इन हिंदी अस्पष्ट बाधिता. सो दीज वर द फ्यू वर्ड्स which were the part of author's introduction. Now let us venture into the first part of this story. Before we can discuss this subject, इस विषय को discuss करने से पहले, we must form some conception, हम कोई धारणा का निर्माण कर लें, एक विचार का निर्माण कर लें, as to the kind of effect that we consider a help to mankind. कि आखिर वो एक धारणा का निर्माण करें, वो धारणा या वो विचार या वो ख्याल, जो आखिर वो कौन सी बातें हैं जो mankind को, नो, जो मानव जाति को मदद किया है. Are mankind helped when they became more numerous? क्या मानव की मदद तब हुई जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई? और when they become less like animals, या when they become less like animals, जब उनकी स्थिति थोड़ी बहुत जानवरों जैसी हो गई, पशुवत हो गई, और when they become happier, या वे जब खुश हुए, आनंदित हुए, और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, और या जब वो सीख लिए, learn to enjoy a greater diversity of experiences, अनुभवों की विविधता को जब वो समझ गए और उसके माध्यम से आनंद को प्राप्त करने लगे, क्या वो स्थिति तब थी? और when they come to know more, या जब वो बहुत ज़्यादा जानने लगे, और when they become more friendly to one another, या जब वो एक दूसरे से दोस्ताना हो गए, एक दूसरे से मित्रवत रहने लगे, I think all these things come into our world about them, and I will say preliminary, और लेखक आखिर में कहते हैं कि मेरे दिमाग में ये सारे शब्द आते हैं, and I will say preliminary, और प्राथमिक रूप से मैं ये कहूँगा. या द नेक्स्ट वन प्लीज. द मोस्ट इंड्यूबिटेबल
का मतलब ये है कि जिस चीज़ पर आप शक नहीं कर सकते, शक शुभा की जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, सो द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, वह चीज या वो सारी बातें जहाँ बिल्कुल शक नहीं कर सकते, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, सो द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर. देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज. और लेखक कहते हैं कि जो मानव जाति को जो बिल्कुल जिसमें कोई शक नहीं है, जो चीज़ हेल्प किया होगा वह जरूर ही संख्या होगी. फिर आगे लिखते हैं कि देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियंस वाज अ वेरी रेयर स्पीशीज. जब होमो सेपियंस मानव जाति बहुत ही रेयर स्पीशीज थी, मतलब दुर्लभ प्रजाति के रूप में जानी जाती होगी, प्रिकैरियसली इन जंगल्स एंड केव्स. जब वो जंगलों में रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स, जंगली जानवरों से घबराए रहते होंगे, डरे रहते होंगे. सो एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस विच वॉज क्यूमुलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हैव स्कार्सली बिगन टू ओवरवे द डिसएडवांटेजेज ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी. His lessened agile as compared with monkeys, his lack of hirsute protection against cold, in those days the number of men must certainly have been very small. No? So, प्यारे बच्चों, लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मानव जाति को हेल्प किया होगा, मदद किया होगा, वह उसकी संख्या है. और संख्या के बारे में वो बात करते हैं कि जब इंसान बहुत थोड़े से होंगे, जब उनकी संख्या बहुत कम होगी, जब वो गुफाओं में रहते होंगे, कंदराओं में रहते होंगे, पेड़ के नीचे रहते होंगे, जंगलों में रहते होंगे, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय रही होगी. जंगली जानवरों से खौफ हमेशा बना ही रहता होगा. उसके बाद उनकी स्थिति मौसम के हिसाब से भी बदतर होती रहती होगी, क्योंकि उनके बदन पर ज़्यादा बाल नहीं थे, इसलिए अधिक सर्दी, अधिक गर्मी से उनको परेशानी होती होगी. उसके बाद लेखक इस स्थिति की तुलना अन्य जीव जंतुओं से भी करते हैं कि दूसरे जानवर जिनके बहुत सारे बाल भी हैं और उनकी तुलना में कहें तो इंसान के कम बाल होते हैं, तो इनको सर्दी गर्मी आदि से बहुत परेशानी होती होगी. तो ये ऑथर का विचार है. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द अर्लीस्ट पीपल हु केम ऑन दिस प्लैनेट. ये उन प्रारंभिक मनुष्यों के बारे में है जो इस पृथ्वी पर आए थे. सो दिस इज व्हाट ही हैड टू से in this part of this story, and it is already proved that in this part, इस हिस्से में लेखक संख्या की बात करते हैं. Therefore, let us see the succeeding part of this story. The main use to which throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. यहाँ लेखक कह रहे हैं कि इंसान ने इन तमाम वर्षों में जो उनका टेक्निकल स्किल है, तकनीकी कुशलता है, उसका प्रयोग उन्होंने अपनी आबादी को बढ़ाने में किया है. आई डोंट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनका इंटेंशन होगा, बट दैट इट वॉज इन फैक्ट द इफेक्ट. इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस इन, then we have occasions to rejoice. In this part, in fact, the author is telling us
दैट आफ्टर ऑल इट वॉज द टेक्निकल स्किल, यह तकनीकी ज्ञान है और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से ही लोगों ने या तकनीकी ज्ञान का बहुत ज़्यादा प्रयोग उन्होंने किया जिससे इंसान की आबादी बढ़ी. सो द फ्यू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच आर इन दिस पार्ट, दे आर इंडिविटेबल, इम्पॉसिबल टू डाउट. वो बातें जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. होमो सैपियंस एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है बच्चों. होमो का मतलब यहाँ ह्यूमंस है, जिसे आप मानव कहते हैं, और सैपियन का मतलब होता है वाइज और एस्ट्यूट, बुद्धिमान, चालाक. और यह एक लैटिन वर्ड है, यह एक लैटिन शब्द है. तो दो लैटिन शब्द होमो सैपियंस दोनों मिलकर आप कह सकते हैं बुद्धिमान मानव. हर्सु, स्पेलिंग देखें इसका, HIRSUTE है ना, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, वो हर्सु पढ़ते हैं. हर्सु जिसका मतलब हैरी होता है, जो बालदार हो या झबरा हो जिसको कहते हैं. सो दीज वर द फ्यू वर्ड्स. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट्स. फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेनिटल प्ले कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स. इन दीज रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टनली बिकम प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि इंसान चूंकि एक चिंतनशील प्राणी है, होमो सेपियंस वर्ड इसका अर्थ आपने समझा ही, जिसका मतलब बुद्धिमान मानव होता है. सो मानव को एक बुद्धिमान जीव के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है. तो ये जो चीज़ है द इंटेलिजेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग और द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज द प्राइमरी क्वालिटी और द चीफ क्वालिटी व्हिच मेक्स वी ऑल कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स. ये जो बुद्धि का जो मसला है, ये ऐसी खासियत है जो हमें जानवरों से, पशुओं से अलग करती है. सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से इन दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. सर्टेन वर्ड्स, देयर इज वन वर्ड इन दिस सेक्शन दैट इज कंजेनिटल समथिंग व्हिच इज बाय बर्थ, जिसका मतलब होता है जन्म से ही, बाय बर्थ, जन्म से ही. सो चिल्ड्रन, इन दिस पार्ट वी हैव स्टडीड दैट द ऑथर इज हाईलाइटिंग द वेरियस फेजेज थ्रू विच ह्यूमैनिटी हैज ट्रेवल्ड एंड कम अप टू दिस पॉइंट. इट्स रियली फैसिनेटिंग. इंसान की जो जर्नी है, आदमी से इंसान बनने की जो जर्नी है, लेखक उस पर प्रकाश डालते हैं. और यह एक बहुत ही रोचक भी है, आनंददायक भी है, और साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है. सो वी शैल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय, एस्टेब्लिश्ड, नमस्कार.